भाजपा की वसुंधरा राजे सिंधिया, सुषमा स्वराज, पंकजा मुंडे और स्मृति ईरानी के खिलाफ विपक्ष ने घेराबंदी तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी ने इनके खिलाफ जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि इन चारों मंत्रियों को तत्काल इनके पद से हटाया जाए। कांग्रेस पार्टी की छात्र संगठन NSUI ने भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। वहीं आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे ने कहा है कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दागी मंत्रियों को हटाएं। उन्होंने कहा कि रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मन की बात नहीं बल्कि अपने मन की बात की है। हम सिर्फ मोदी जी से शांतिपूर्ण ये पूछना चाहते हैं कि मोदी जी आपका दोहरा मापदंड क्यों? एक मंत्री के इस्तीफा लेने के लिए आप रातों रात पुलिस भेज देते हो, दूसरा आपका केंद्रीय मंत्री जिस पे आपके बात बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं है, ऐसा क्यों? आपकी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सैकड़ों करोड़ का घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला करके बैठी है, उनके लिए आपको पास एक भी शब्द नहीं है? केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज जी जो कि इस मामले में लिप्त पाई हैं, उसके बारे में कुछ भी बोलने के लिए नहीं है? मन की बात के बारे में बोलने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। आप मनमोहन सिंह को बोलते थे कि वो मौनी बाबा हैं, आप क्या हो? आप भी तो मौनी बाबा से कम नहीं हो ना? हाँ मैम, हम प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे यहाँ पे मोदी जी के दागी नेताओं के खिलाफ, लेकिन हमें यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने जबरन पकड़ के गिरफ्तारी ले ली है। हमने एक सीधा साधा प्रोटेस्ट करे थे मोदी जी के खिलाफ, लेकिन उन्होंने अपने भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ उन्होंने कोई भी अपना कार्यवाही नहीं उठाई, और हम चाहते हैं कि उनको भ्रष्टाचारी खिलाफ कार्रवाई। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।